Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the next lecture. In today's lecture, we will start unit number 6, The Qaeda's Vision and Pakistan. This chapter, The Qaeda's Vision and Pakistan, is all about Qaed-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. In this chapter, we will study about the personality of Qaed-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. And we will also know that how much Qaed-e-Azam Muhammad Ali Jinnah worked hard for a separate homeland for the Muslim of the subcontinent to protect their values, cultures and tradition. As we all know that Qaed-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is our national hero. He achieved Pakistan for us. In this chapter we will also study that how much struggles he faced while achieving a separate homeland for the Muslims of the subcontinent. Ke kaise barasagir ke musalmanon ke liye ilahda watan hasil karne ke liye unhone mushkilat ka samna kiya. Okay, so let's move on to the text. And the first line of the first paragraph is during Dauran the early Ibtidai and difficult Mushkil times dino mein of Pakistan's emergence Pakistan ke qiyam ke Qaed-e-Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a country wide tour. Qaed-e-Azam Muhammad Ali Jinnah ne pure mulk ka daura kiya. During the early and difficult times of Pakistan's emergence, Qaed-e-Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a country-wide tour. क्या में पाकिस्तान की इब्तदाई और मुश्किल दिनों में Qaed-e-Azam Muhammad Ali Jinnah ने पूरे मुल्क का दौरा किया. He aimed, आपका मकसद था, at raising, उभारना, people's spirit, लोगों का जज्बा. He aimed at raising people's spirit. आपका मकसद लोगों का जज्बा उभारना था. डू नॉट बी ओवरवेल्ड, मगलूब ना होना, बर्बाद ना होना, विद द इनॉमिटी, शिद्दत से, ज्यादती से, ऑफ द टास्क, काम की. डू नॉट बी ओवरवेल्ड विद द इनॉमिटी ऑफ द टास्क, काम की ज्यादती से मगलूब ना होना. ही सेड, उन्होंने कहा, इन अ स्पीच, खिताब में, एट लाहौर, लाहौर में. डू नॉट बी ओवरवेल्ड विद द इनॉमिटी ऑफ द टास्क, ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर. उन्होंने लाहौर में एक तकरीर में कहा, काम की ज्यादती से मगलूब ना होना. देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स, बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, इन द हिस्ट्री, तारीख में, ऑफ यंग नेशन, नौजायदा इकवाम की, बिल्डिंग, तमीर किया, देमसेल्व्स अप, खुद को, बाय शेयर डिटर्मिनेशन, पुख्ता अज्म से, एंड फोर्स ऑफ करेक्टर, और किरदार की ताकत से. देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस बिल्डिंग देमसेल्व्स अप बाय शेयर डिटर्मिनेशन एंड फोर्स ऑफ करेक्टर. दुनिया की नौजायदा इकवाम की तारीख में बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जिन्होंने सिर्फ अज्म और किरदार की ताकत से अपनी तमीर कर ली. यू आर मेड, तुम बने हो, ऑफ स्टर्लिंग, खालिस मटेरियल, मादे से, एंड और सेकंड टू नन, तुम किसी से कम नहीं. यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटेरियल एंड सेकंड टू नन, तुम खालिस मादे से बने हो और तुम किसी से कम नहीं. कीप अप, बुलंद रखो योर मोराल, अपना हौसला. कीप अप योर मोराल, अपना हौसला बुलंद रखो. डू नॉट बी अफ्रेड, होफजदा ना होना, ऑफ डेथ, मौत से. वी शुड, हमें चाहिए, फेस इट ब्रेवली, बहादुरी से सामना करें. टू फेस द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम, इस्लाम और पाकिस्तान की इज्जत के तहफ्फुज़ के लिए. वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम. हमें इस्लाम और पाकिस्तान की इज्जत के तहफ्फुज़ के लिए मौत का सामना बहादुरी से करना चाहिए. डू योर ड्यूटी, अपना फर्ज अदा करो, एंड हैव फेथ, और ईमान रखो, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की बका का. डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, अपना फर्ज अदा करें और पाकिस्तान की बका का यकीन रखें. इट हैज कम, ये आया है, टू स्टे, कायम रहने के लिए. इट हैज कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए वजूद में आया है. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2, द इंटायर जर्नी, तमाम सफर,
ऑफ ग्रेट लीडर्स, अजीम रहनुमाओं का स्ट्रगल, कोशिश फॉर अ सेपरेट होमलैंड, इलैदा वतन के लिए, फॉर द मुस्लिम्स मुसलमानों के, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बरसगीर के, वॉज बेस्ड ऑन द पिवट, एक मरकज पर रखी गई थी, ऑफ द मुस्लिम यूनिटी मुस्लिम इत्तेहाद एंड द वननेस और वहदत एज अ नेशन कौम की। द इंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज बेस्ड ऑन द पिवट ऑफ द मुस्लिम यूनिटी एंड द वननेस एज अ नेशन। बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन की जद्दोजहद के लिए अजीम कायद के इस तवील सफर की बुनियाद मुस्लिम इत्तेहाद और कौम की वहदत के मरकज पर रखी गई थी। ही टॉक्ड, कायद आजम बात करते थे अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में, इन सच अ क्लियर टर्म्स, इतने वाजिया अंदाज में, दैट इवन अ कॉमन मैन, के एक आम आदमी भी कुड अंडरस्टैंड इट, इसे समझ सके। ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान इन सच क्लियर टर्म्स दैट इवन अ कॉमन मैन कुड अंडरस्टैंड इट, वो पाकिस्तान के बारे में ऐसे वाजे अंदाज में बात करते कि आम आदमी भी इसे समझ सकता था। वी आर नेशन, हम एक कौम है, ही अफर्म्ड, उन्होंने वाजिया तौर पर कहा, 3 years बिफोर, 3 साल पहले, द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के क्याम से, विद आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर, हम अपने इम्तियाजी सकाफत एंड सिविलाइजेशन और तहजीब, लैंग्वेज जुबान एंड लिटरेचर और अदब, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट और फन तमीर, नेम्स एंड नोमेनक्लेचर, नाम रखने के असूल, सेंस ऑफ वैल्यूज, एहसास इकदार एंड प्रोपोर्शन और इम्तिजाज, लीगल लॉज एंड मॉरल कोड्स, कानूनी कायदों और अहलाकी जाबितों, कस्टम्स रवायात एंड कैलेंडर्स और कैलेंडर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, तारीख और रवायात, हिस्ट्री तारीख एंड ट्रेडिशंस रवायात, एप्टीट्यूड रुझान एंड एम्बिशंस मकासद, इन शॉर्ट मुख्तसर ये, वी हैव आर ओन डिस्टिंक्टिव, हम अपना मखसूस रखते हैं आउटलुक ऑफ लाइफ, जिंदगी का नुक्ता नजर। वी आर नेशन, ही अफर्म्ड, 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, विद आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नेम्स एंड नोमेनक्लेचर, सेंस ऑफ वैल्यूज एंड प्रोपोर्शन, लीगल लॉज एंड मॉरल कोड्स, कस्टम्स एंड कैलेंडर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस, इन शॉर्ट वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ। उन्होंने क्याम पाकिस्तान से 3 साल पहले बड़े जोरदार अंदाज से कहा, हम अपनी इम्तियाजी सकाफत और तहजीब, जुबान और अदब, आर्ट और फन तमीर, नाम और नाम रखने के असूल, एहसास इकदार और इम्तिजाज, कानूनी कायदों और अहलाकी जाब्तों, रस्मों कैलेंडर, तारीख और रवायात, रुझान और मकासद के लिहाज से एक कौम है। मुख्तसर ये कि जिंदगी के बारे में हम अपना मखसूस नुक्ता नजर रखते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप दैट द ट्रांसलेशन विल बी क्लियर टू यू। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट टॉपिक। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स। अल्लाह हाफिज।